गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोग का एक और नए वीडियो अंजना ब्लॉग में, और मैं बाल्टी में भर कर नीचे से पानी लेके आ रही हूँ छत पर, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी रख दी हूँ सारे काम करने के लिए, क्योंकि पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मैं पानी ला कर रख दी हूँ। और अभी देखिए घर की सफाई कर रही हूँ मैं, तो जो कचरा है मैं इस तरह से इकट्ठा करके इसको झाड़ू से ऊपर कर लूँगी। देखिए वहाँ पे चूल्हे के पास, और जो सारी गोइठियाँ टूट चुकी हैं पहले की, वो सारे आज मैं सब करके चूल्हे में डाल दूँगी, इसको जला दूँगी। जो भी खरा खरा गोइठिया है उसको मैं उठाकर एक साइड में कर लूँगी। चैनल पे जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। यहाँ पर अंधेरा लग रहा है इसलिए अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेके आई थी उसको मैं अच्छे से रख लूँगी, ये सारे बर्तन जो है। मैं जा रही हूँ चूल्हे की लिपाई करने के लिए बाल्टी लेके आई, क्योंकि इसमें पानी ले लूँगी। पहले तो जो तसला है इसको मैं साइड कर लूँगी, और ये राख मुझे राख उठाना है, और राख से ही लेपन करते हैं फ्रेंड। देखिए इसे हाथ में पानी लेकर कढ़ाई के ऊपर मैं इसे लेपन कर दूँगी। जो बचे हुए हैं मैं तो भगवाने में लगा लूँगी, और इस तरह से राख को उठा कर इसके ऊपर डाल देना है। देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। सारे राख तसले में भर दूंगी। अब देखिए मैं चूल्हा इस तरह से लेप दूंगी, इसको बोला जाता है लेपन। बहुत सारे लोग बोलते हैं चूल्हे की पोताई, मैं चूल्हे की पोताई कर दूंगी। देखिए चूल्हे की पोताई हो चुका है, लेकिन मैं आलू उबालने के लिए आलू ले ली हूँ, जो कि मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ। और यहाँ पर रखती हूँ पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को मैं धो ली हूँ, आलू को फिर इसमें धो ले रही हूँ। सभी हमने एक जो आलू है उसको दो टुकड़े करके, जो आलू है उसको दो दो टुकड़े कर लूँगी मैं, और पत्ता गोभी है पत्ते गोभी को भी मैं इसके टुकड़े करके इसमें डालूँगी, और इसमें पानी डाल दूँगी। इसको रख दे रही हूँ चूल्हे को उबलने के लिए। तो देखिए उस साइड में रख दी हूँ आलू गोभी, और इधर में रख दे रही हूँ पानी। इसके अंदर मैं चावल धो के डाल रही हूँ। जब तक चावल और आलू गोभी उबलेगा तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। देखिए मैं आटा लगा ली हूँ, और चावल भी यहाँ पे उबल चुका है, और बस
दो चार मिनट लगेगा, पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा। चावल उबल गया है इसलिए मैं आँच कम कर ले रही हूँ, नहीं तो जल सकता है। मैं आलू और पत्ता गोभी को भी देख लेती हूँ हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी तक नहीं हुआ है तो इसको भी टाइम लगेगा। अभी इसमें पानी कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा और पानी ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए बर्तन ले लूँगी। आप लोग किधर क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बर्तन ही बोला जाता है। सब्जी बनाने के लिए तब तक मैं टमाटर बाकी चीज़ों काट कर रख ले रही हूँ। मैं पहले मसाले में हल्दी डाल दे रही हूँ और यहाँ पे ली हूँ मैं गरम मसाला, जो कि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये रहा मेरा गरम मसाला, जो कि मैं कच्चा मसाला पहले पीसी थी। तो देखिए बस एक चम्मच के हिसाब से अपने हाथ में ली थी मैं डाली हुई थी, क्योंकि मैं चम्मच पैकेट का मसाला रखी हूँ तो इसमें चम्मच नहीं डाली हूँ, तो मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ। अब इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये फूल जाए। अरे टमाटर को मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। इस तरीके से टमाटर के मैं कई भाग कर लूँगी ताकि जल्दी से गल जाए, क्योंकि मैं जब पत्ता गोभी भूजूँगी तब टमाटर को भी उसी में ऐड कर दूंगी। छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं थाली को इसलिए पोंछ रही हूँ ताकि मैं इसको टमाटर के ऊपर थाली रखूँगी, हालांकि मैं हाथ भी पोंछ ले रही हूँ। अब मैं चावल को देख लेती हूँ पक गया है या नहीं। तो देखिए चावल पक चुका है, लेकिन मैं इसको इसी तरह से दो मिनट रहने दूंगी। इसके इधर बिल्कुल आंच नहीं लगाऊंगी तो एकदम अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैं दो मिनट हो गया है तो मैं इसको उतार लूंगी। अब इस पे मैं रखूंगी तवा रोटी बनाने के लिए। अभी सिलकन हो जाएगा। फ्रेंड्स काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है इसलिए ज्यादा उजाला नहीं लग पा रहा है, अच्छे से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज फ्रेंड आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बना रही हूँ रोटी। देखिए मैं हाथ से इस तरह से दबा के देख रही हूँ, आलू भी देख ले रही हूँ हो गया है, तो मैं इसको भी नीचे उतार लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, लाइट भी नहीं था, तो ट्यूबलाइट के उजाले से मैं सारा ब्लॉग नहीं दिखा पाई। तो अभी लाइट आ गया है तो मैं देखिए सब्जी भूज रही हूँ। तो इसमें देखिए मसाले ऐड कर रही हूँ, मसाले डाल के मैं हल्का सा भूजी हूँ, तभी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं अभी तक इस सब्जी में नमक ऐड नहीं की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नमक देखी तो ख़त्म हो गया था, तो मैं नीचे से जाकर दूसरा डब्बा लेके आई हूँ नमक का। तो मैं अभी देखिए इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अपने स्वाद अनुसार डालना है फ्रेंड्स। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं नमक ज़्यादा डाल दी हूँ, लेकिन नहीं, हाथ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा था तो मैं इसको कम करके डाली हूँ। मैं जल्दी जल्दी सारे खाना बना लूँगी फ्रेंड्स। तो अभी मुझे सिर्फ रोटी बनाना है, तो मैं सारी रोटियां जल्दी जल्दी बना लूँगी। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी मुझे इतना रोटी बनाना है और चावल भी बन चुका है, सब्जी भी बनी चुका है, तो इतना रोटी भी मुझे बनाना है, तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ और आज के ब्लॉग में यहीं तक रखूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।